कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन के तहत 18 वर्ष से ऊपर और 45 प्लस के लोगों को समय से वैक्सीन का डोज लग सके, उसके लिए मंगलवार से नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आम लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू किया गया। उसके लिए नोडल डॉक्टर के साथ 3 नर्सों सहित वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जहाँ पर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। नगर निगम में स्थापित वैक्सीन सेंटर का महापौर सीताराम जायसवाल ने निरीक्षण किया और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। जिला चिकित्सालय में आए कंप्यूटर ऑपरेटर घनश्याम श्रीवास्तव ने बताया कि वैक्सीन लगवाने से पहले लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए भेजा जा रहा है। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रफुल्ल ने बताया कि नगर निगम में ऑफिशियली वैक्सीनेशन सीएमओ कार्यालय के आदेश पर किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर घनश्याम श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रफुल्ल एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा। अभी सेकेंड डोज वाले नहीं आ सकते नगर निगम परिसर में, ये है इनका, देखिए है ऑर्डर, ये पहला लगा है, दूसरा कब लगेगा? सर 12 हफ्ते के बाद में, पहले डोज से 12 हफ्ते के बाद में। सर 12 हफ्ते के बाद पहला डोज कब लगा? हमारा तो टाइम घनश्याम श्रीवास्तव कंप्यूटर ऑपरेटर सीएमओ ऑफिस नगर निगम में, यहाँ मीटिंग हॉल में 45 प्लस लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। जब तक यहाँ सबको लग नहीं जाएगा तब तक यहाँ चलेगा। ये पहली डोज, दूसरी डोज पर यहाँ आ सकते हैं जी? दूसरी डोज के लिए लोग आ सकते हैं? नहीं नहीं, पहला डोज ही लगेगा। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल बोल रहा हूँ, ये सीएमओ सर के माध्यम से हुआ है और हम नगर निगम में इस समय आके हम डिपार्टमेंटल वैक्सीनेशन कर रहे हैं 45 प्लस के लोगों का। सर ये इसमें कौन सा डोज दिया जाएगा, पहला डोज के लिए लोग आ सकते हैं या दूसरे डोज? अभी जो हमको आदेश दिया गया उसके हिसाब से पहले डोज के लिए है। पार्षदों की मांग पर नगर निगम में सीएमओ गोरखपुर के तरफ से कैंप लगवाया गया है। यहाँ पर 45 से ऊपर वाले पार्षद हो या पार्षद प्रतिनिधि हो या उनके परिवार का कोई हो या आम जनता हो, उसका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मैंने यहाँ पर पूछा है लोगों से, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद लोग आधा घंटा वेट कर रहे हैं, ये लोग चले जाएंगे, तो इसकी अच्छा रिस्पॉन्स है। और मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि 45 से ऊपर वाले जो भी लोग हैं आकर के वैक्सीन लगवा लें, और 18 के ऊपर वाले अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दें, कि उनका रजिस्ट्रेशन करा के उनके लिए भी टाइम सुनिश्चित किया जाए कब लगेगा। सरकार के निर्देश के अनुसार ही 18 के ऊपर वालों को वैक्सीन लगाया जाएगा। ये नगर निगम अपने सभी पार्षदों को और लोगों से कहना चाहता है कि इसका फ़ायदा उठाएँ
और नगर निगम में आकर के वैक्सीन लेते। अब जितने दिन तक 2-3 दिन चलेगा अपना, आते रहें लोग, कराते रहें।